आखिरकार नगर सेवक बंटी शेळके ने पालक मंत्री तथा पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार के आश्वासन के बाद सोमवार को सातवें दिन अनिश्चितकालीन अनशन को पूर्ण विराम भले ही दे दिया हो, मगर निजी अस्पतालों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। शेळके ने कहा कि मनपा प्रशासन से मरीजों को न्याय दिलवाने के लिए रोजाना लड़ेंगे। वहीं मनपा के बाहर मनपा अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा और बंटी शेळके आमने सामने आ गए। आपको पता ही होगा, आपने कल मुझे फोन पे बोला कि मेरी 15 मिनट आए आके आप उससे बात कीजिए, हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि रेडियस के ऊपर भी किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है। आए थे सुबह सुबह 5 बजे आए थे, लेकिन अरे सर जी, लेकिन आपने इनको जवाब क्या दिया कि रेडियस अस्पताल वाला जो है, जो पेशेंट पेपर मिलते जीते वो पेशेंट को रेडियस अस्पताल वाला एडमिट करता था। ये सवाल का जवाब नहीं है ना सर। देखिए आप सम्मान नहीं, आप उम्र दराज है, हमारे कहने एक उम्र है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, चर्चा की बात है नहीं। रेडियंस अस्पताल में रोज भाई चले दोस्तों, रेडियंस अस्पताल में रोज चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? लोगों को बताना पड़ेगा ना आपको, 8-10 लोग का रोज देख रही है ना, 8-10 लोगों की रोज देख रही है मेरे भाई शर्मा साहब। आप बोलने नहीं दे रहे, नाम में शर्मा है, शर्म शर्म मत कीजिए आप, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। देखिए ऐसा मत कीजिए, मैंने आपको कल मैसेज भी किया कि आप जो है टाटा बिरला की औलाद नहीं है। आपने मैंने मैसेज भी किया आपको, मैंने कि आप टाटा बिरला की औलाद नहीं, आपको सबके फोन उठाना पड़ेगा। आपके ऑडिटर्स किसी के फोन नहीं उठाते, आपके ऑडिटर्स फोन उठाते क्या बताओ मुझे? 12 अप्रैल के रेडियंस वाला जो वहाँ पर ऑडिटर था, वो रेडियंस वहाँ वो वहाँ पर नहीं करने के बाद में कोविड में क्या होते वहाँ पर एडमिट है और उसके जगह में दूसरा कोई आया, उसको आपको बताया मैंने, तो आपने मुझे नंबर मैसेज किया, लेकिन वो जो 12 अप्रैल वो क्यों नहीं दे सकता? मुझे क्या बताया? नहीं आप जिम्मेदार होते बैठे, आप आराम की बात नहीं है, लोगों की जान जा रही, नाटक बाजी की नौटंकी बाजी नहीं, समझ रहे क्या? नाटक बाजी नौटंकी बाजी चलेगी नहीं, तेरे समझवा। वो कहां पर है? पुलिस वाले भी आए थे ना, समझवा तेरे। ये तेना तुमच्या समोरची गोष्ट आहे, तो नौटंकी बाजी पाहिजे नाही मला खाली पिलीची, आणि जे कारवाई करायची आहे ते कारवाई करून घ्या म्हणा। आम जनता के सामने है वो अधिकारी, आम जनता के सामने बोल रहा है वो सभी बोल रहे हैं, क्या बोल रही है उससे बताओ आप? देखो ना, ये आम जनता है, आम जनता के सामने ये लैंग्वेज है उनकी, लोग बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, उसका बोलना क्या बोल रहा था सुबह बताओ? इलेक्शन और ओखाट में भी जो पेशेंट को ये नहीं मिलते थे बोले बेड, वो पेशेंट को रेडियंस वाला बेड देता था, मेरे बोलने पर 60 बेड है इसकी, उनके बोलने पर बेड देता था बोलते, इसका मतलब इसलिए आपको कृपया करके मेरी पुलिस प्रशासन को भी विनती है, आप लोगों को जो कार्रवाई करना है उचित कार्रवाई। पंडित भाव, आपने एक लुटेरे निजी अस्पतालों के खिलाफ आपने आज जंग जीत ली है और कई नेताओं का आपको आश्वासन दिया गया है और इसलिए आज आपने अपना जो अनशन था वो खत्म किया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि निजी अस्पतालों के खिलाफ में अभी तक हम लोगों ने जंग जीती है। बस इतना ही है कि निजी अस्पतालों द्वारा जिस प्रकार की लूट हो रही थी, और आप सभी को पता है कि रेडियंस अस्पताल, खास करके रेडियंस अस्पताल और लूटने वाले जितने भी निजी अस्पताल हैं उनके खिलाफ में जिस तरीके से जंग ये शुरू थी, वो जंग अभी तक जीती नहीं है। अभी बस इतना ही है कि अभी हम लोग समझ लीजिए एक अध्याय जो था, एक अध्याय जंग का ये ख़त्म हुआ है, दूसरा अध्याय अभी भी बाकी है और दूसरे अध्याय में जो है किसी भी प्रकार की हिंसा ना करते हुए, किसी भी प्रकार से किसी को हिंसा के लिए आह्वान ना करते हुए जंग लड़नी, जंग फिर से अगर लड़नी है तो वो जंग लड़ने के लिए जंगी भी तलवारों को फिर से धार देना ज़रूरी है। तो तलवार यानी वो अहिंसा की तलवार है, अहिंसा की तलवार को हाथ में लेते हुए जिस प्रकार से हमने शहीद आज़म भगत सिंह जी की प्रतिमा को आगे रखते हुए और जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी के मार्ग पर चलकर मैंने 7 दिन का अनशन भी किया और निरंतर मेरे जो #NagpurSOS की जो हमारे IYC के साथी है उनके माध्यम से और हिम्मत मिलती रही, नागपुर की सभी प्यार करने वाले सभी नागरिकों के द्वारा मैंने अच्छा समर्थन मिलता रहा। तो जंग तो जीती नहीं है, बस इतना ही है कि सम्माननीय पालक मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से पहले भी निर्देश दिए थे उन निर्देशों का पालन करते हुए सम्माननीय पालक मंत्री जी के कहने पर हम लोग पहले विभागीय आयुक्त कार्यालय में गए थे, वहाँ पर जो हुआ था कुछ गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने के बाद में प्रशासन खड़बड़ा कर जाग खड़ा हुआ था, लेकिन जाग खड़े होने के बाद में भी ढिलाई बहुत ज़्यादा प्रशासन में थी जो पहले चलते आ रहा था। बस इतना ही है कि 10% प्रशासन सिर्फ जागा हुआ है। मैं अभी यहाँ पर आया था महानगर पालिका में आने के बाद में सम्माननीय आयुक्त जी से समय मांगा भी नहीं और उनसे मिलने में गया भी नहीं, तो बस वहाँ पर मैंने एक पत्र दिया कि मुझे जब ही अनशन 12 बजे हमने ख़त्म करने के बाद में सबसे पहले तो हम वहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास में गए, घर पर गया, थोड़ा सा 2 निवाले खाया, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया, वहाँ से मेयो अस्पताल में गया क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, क्योंकि मेयो अस्पताल जिस तरीके से हम #NagpurSOS के साथियों का एक घर बना हुआ है, मेडिकल अस्पताल एक घर बना हुआ है और एक परिवार जो पिछले 46 दिनों से हम कोई भी साथी घर गए नहीं,
और घर बस आज की 5 मिनट के लिए गए, खाना खाए और फिर से बाहर निकल आए। तो बस इतना ही था कि एक घर से भी ज़्यादा अगर कोई नज़दीक का परिवार, अभी हम सभी लोगों का कोई अगर है, जो कारवा 17 साथियों के साथ में शुरू हुआ था वो कारवा अभी 32 साथियों के साथ में निरंतर शुरू है। और मेडिकल और मेओ में जो परिवार है, कोविड के जो मरीज़ है, उनके जो परिवार है, उनके जो रिश्तेदार है, बस वही परिवार अभी हम सब साथियों का है। ये जो बातें थी ये आपको खास तौर पे मैं बताना चाहूँगा, 2 दिन के बाद में थोड़ी और ज़्यादा आवाज़ में अपन बात मैं बात करूँगा। उनकी जो बातें थी, उनकी बातें कहीं ना कहीं पर वो जमीनी जलत शर्मा की। तो जलत शर्मा जी जो है, देखिए कोई भी अधिकारी जो है, कोई भी पीठासीन अधिकारी, कोई एक सम्मानजनक अगर पद पर अगर बैठा हुआ है निरंतर 46 दिनों से, अगर समझ लीजिए लोगों की लड़ाई, अगर कोई भी अगर लड़ रहा होगा, मैं नहीं, हम साथी नहीं, बाकी और भी लोग लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हम अकेले लड़ रहे हैं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा, शिवसेना, मनसे, बसपा, सभी और अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग लड़ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार का जलत शर्मा जी द्वारा जो एक गलत रवैया है, और उनका ये कहना था एलेक्सिस हॉस्पिटल और वोखाड हॉस्पिटल से भी जो मरीज जो है कोई लेता नहीं था, वो मरीज जो है रेडियंस अस्पताल लेता था, यानी उनसे मेरी कल बात हुई फ़ोन पर 15 मिनट, उन्होंने कहा मुझे 15 मिनट आप शेल्के जी दीजिए, मुझसे मिलिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। मुझे लगा कि जो भी उनकी जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई के बारे में बताएगी, लेकिन वो चीज़ें कोई कार्रवाई के लिए थी नहीं, क्योंकि जब आप आज मेरे जब साथी गए थे गए, क्योंकि अनशन पे पता नहीं उनको क्या डर था, उनको लगा कि नहीं ये लोग भले ही अनशन पे बैठे हैं लेकिन ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनके साथ में पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन रहने के बाद में उनको डरने की कोई बात नहीं थी तो वो आए नहीं, अनशन पर आना था, अनशन पर आकर बताना था, लेकिन हम ही को जो है अधिकारी की यानी क्या कह सकते, हेकड़ी आप देखिए, क्योंकि हेकड़ी अभी ये नहीं कहूँगा कि आयुक्त महोदय ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था कि तू बाहर रुक, तो वही चीज़ें अगर बाकी भी अधिकारियों में अगर आती है तो उन अधिकारियों को फिर से उनके 56 इंच की जो कमर है, कमर जो बनी है वो 56 इंच की कमर 36 इंच की कमर करना हमको आता है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको दुख होता है कि इतने शहर में इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद इन तरह से लुटेरे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए, इसलिए आपको 7 दिनों तक भूखा रहना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? मैं निरंतर जो है निरंतर मेरा अनशन ये मैं निरंतर जारी रख रहा था, लेकिन सम्माननीय मेरे प्रभाग के जो नगरवासी है निरंतर रोजाना आते थे, लेकिन मैंने पूरे प्रभाग में और मैं जहाँ से विधानसभा भी लड़ा था वहाँ पर भी और बाहर भी साथियों ने जो है, हमने कहा कि एक अच्छा एक मैसेज लोगों को देना चाहिए कि कृपया करके आप जो है यहाँ पर आइए मत। पिछले बार भी 7-8 दिनों का अनशन किया था SNDL, OCW और कनक के विरोध में, तब भी लोग जो है लोग स्तब्ध है, लोग शांत रहते, लोग यानी कहना नहीं चाहिए कि मुर्दार प्रकार से जो एक ये हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पर लोगों ने जागरूक रहना चाहिए, लोगों ने खुद की लड़ाई खुद लड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी एक नारा सुना है आत्मनिर्भर का, तो सभी लोगों ने अभी यही है कि कोई शासन प्रशासन आपके साथ में रहने नहीं वाला है, आपको आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनो, और आने वाले समय में जो तीसरी लहर जब आएगी, आने वाले समय में जब तीसरी लहर आएगी, सन्मान्य मंत्री केदार जी का भी यही कहना था कि तीसरी लहर जब आने वाली है, वो तीसरी लहर में बच्चों के ऊपर में असर करने वाली है, तो आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जंग तो खत्म नहीं हुई, जंग लगातार जारी है। यहाँ पर आने के बाद में मैं अभी जो कंट्रोल रूम जो है, क्योंकि अभी अनशन पर बैठने के बाद में 2 दिनों के बाद में उन्होंने पेपर में आया, और बाकी मैंने मुझे एक ये भी आया था, पत्र भी आया था कि हम लोगों ने कंट्रोल रूम शुरू किया, और कंट्रोल रूम के माध्यम से जो है 80-20% का जो भी चीज़ें कन्फ्यूजन जो पब्लिक में रहती थी, या डॉक्टर के माध्यम से जो निजी अस्पताल वाले डॉक्टर जो लूटे रहे कुछ जो है 50%, वैसे कुछ 50% जो डॉक्टर्स है जो 80-20% का जो रेशियो है, यानी 20% प्राइवेट अस्पताल, 80% महानगर पालिका, तो उल्टा है। अगर हकीकत में अगर धरातल पर अगर देखा जाए तो उल्टा है, 80% प्राइवेट अस्पतालों के हाथ में, 20% महानगर पालिका के हाथ में। तो अभी वो चीज़ें तो यहाँ पर कंट्रोल रूम उन्होंने शुरू किए, कंट्रोल रूम का हमने मुआयना भी करके आया, अधिकारियों से संवाद भी हम वहाँ पर साथ किया, इरफान जी भी वहाँ पर साथ में थे, नयन था, हेमंत था, बस इतना ही है कि अभी तो भी इन्होंने टाइट रहना चाहिए, नहीं तो टाइट अगर नहीं रहेंगे तो 56-36 इंच कब हो जाएंगी हमको पता नहीं चलेगा। और इतना ही है कि पुलिस प्रशासन के माध्यम से सम्माननीय अमितेश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, उसी प्रकार से मुझे लगता है कि महानगर पालिका के नेतृत्व में, नेतृत्व जिनके हाथ में, वो लोगों के नेतृत्व में महानगर पालिका ये ढंग से चलनी चाहिए, नहीं तो ऐसा ही है कि आउट ऑफ रिकॉर्ड जाके हम ही लोगों को नेतृत्व अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हम ही लोगों को नेतृत्व लेने का मतलब यही है कि आप टी शर्ट पे भी देख सकते हो, तो इन्हीं के नेतृत्व में हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी, जैसी भी कार्रवाई करनी है।